क्या लग रहा है इस बार अमेठी में कितना लड़ाई देखने को मिलेगा? लड़ाई कुछ नहीं, किशोरी शर्मा बम्फर रोड से जीत रहे हैं। रानी भाई साहब आपको क्या लग रहा है? भैया ऐसा है, हम बीजेपी से खफा है। किशोरी लाल शर्मा यहाँ से 151,000 वोट से जीत रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा को आप कैसे जानते हैं? जानते नहीं है, बहुत जमाने से जानते हैं। जमाने जानते हैं आपसे? नहीं, नई बात नहीं है। क्या करो, भीषण साल से जानते हैं। अमेठी का रणभूमि जो है वो तैयार हो गया है। दोनों योद्धा, बल्कि तीन योद्धा मैदान में आ गए, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी। क्या लग रहा है इस बार कितना टफ चुनाव होने जा रहा है अमेठी का? क्योंकि इस बार तो राहुल गांधी है नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने 40 साल जो त्याग दिए हैं कांग्रेस के नाम, उसे मैदान में उतारा है। जिसके ऊपर गांधी परिवार को सबसे ज्यादा भरोसा है उसे मैदान में उतार दिया है, यानी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार दिया है। हम अमेठी में हैं, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये बाजार है, इसे कस्बा जो है जगदीशपुर कहते हैं। तो यहाँ चलते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या हाल चाल है? ठीक है भैया, सब फर्स्ट क्लास है। आज तो नामांकन हो गया कांग्रेस का, हालांकि राहुल गांधी नहीं है, तो क्या लग रहा है? पूरा ठीक है, समझो हम लोग का यहाँ से नहीं, पंजे पे, कांग्रेस पे, पंजे पर, पंजे पे राहुल गांधी नहीं, तब भी क्या लग रहा है इस बार अमेठी में कितना लड़ाई देखने को मिलेगा? लड़ाई कुछ नहीं, किशोरी शर्मा बम्फर रोड से जीत रहे हैं। दोनों लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, अब पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। राहुल गांधी बात चुनाव लड़ा जी को लड़ाए, लड़ाते आ रहे हैं, पूरी जनता इनको जानती है यार। लड़ाते आ रहे हैं आप लड़ने के मैदान में आ गया, वो सब पूरा चुनाव यही मैनेज करते हैं। अच्छा, यही मैनेज करते थे और इनको पता है कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे लड़ना, इनको सब मालूम। अच्छा, ज्ञान है, मतलब हार्ट का ऑपरेशन कराए 500,000 के, तो इनको जनता जानती है। अच्छा, ऑपरेशनों करवा चुके हैं? बिल्कुल, मतलब काम करे हैं। मतलब आप लोगों का भी कुछ अंदाजा हुए ना कि तरफा गठबंधन, गठबंधन मतलब इतना काम करवा चुके हैं पहले से अमेठी के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब सीखे उखे की जरूरत नहीं ना? सीखा के का है, खुद ही सिखावत दुनिया का, इनका कहाँ से सिखाए, खुद सिखाते हैं। इतने चुनाव लड़ा, किशोरी लाल जो है खुद सिखाते हैं, तो स्मृति ईरानी के लिए चैलेंज है, मतलब बड़ा चैलेंज तो है ही, बड़ा। अभी तक तो कह रहे थे अमेठी में राहुल ये सब एक है, नया नहीं, अमेठी नया नहीं है किशोरी लाल के लिए, नया नहीं है, सही बात है। अच्छा, यहाँ की अगर फैक्ट्रियों की बात किया जाए, कौन लेकर आया ज्यादा से ज्यादा, कौन लेकर आया है? राहुल गांधी या राजीव गांधी? उनके पिता राजीव गांधी लेकर आया भाई साहब, कौन लेकर आया? राजीव गांधी। तो किशोरी लाल शर्मा को कौन लेकर आया ये बताओ। अच्छा, राजीव गांधी लेकर आया, कौन लेकर आया, कौन लेकर आया? राजीव गांधी, राहुल जी, राहुल लेकर, राहुल लाए कि राजीव लाए हैं भाई? राजू लेके, कहां कंफ्यूजन डाल ले भाई, राजू जी लेकर आए, कौन लेकर आया? राजू जी लेकर आए, राजू जी लेकर आए, राजू जी। तो क्या लगता है अब की मैदान में है फाइट है, मतलब वो भाई साहब कह रहे हैं कि पूरी तरीके से स्मृति ईरानी स्वीप कर जाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब फंस गया है, वो समय दूसरा था, ये दूसरा है। क्या लग रहा है इस बार टफ है? इस बार भैया कांग्रेस। अच्छा, जैसे किशोरी लाल शर्मा जी के बारे में लोग बताते हैं कि अगर राहुल गांधी जी लड़ते तो और लड़ाई होती, आपको क्या लगता है इनके लड़ने से भी लड़ाई तगड़ी है? किशोरी लाल भी लड़ेंगे, बढ़िया लड़ाई रहेगी, वैसे ही रहेगी, बराबर वैसे ही रहेगा जी। नहीं भाई साहब आपको क्या लग रहा है? भैया ऐसा है, हम बीजेपी से खफा हैं। बीजेपी से खफा है, हटिए भाई, इन्हीं की जरूरत थी मुझे। काहे खफा है? खफा इसलिए है कि बीजेपी ने कहा कि रेहड़ी वालों को और ठेला वालों को, जो गोमटी वालों को ये पैसा वैसा दिया जाएगा, वो देखिए हमारे बाप बुढ़ापा बेचारे बैठे हैं, एक पैसा नहीं मिला और ना हमको कॉलोनी मिली है। कास्ट बताओ, कास्ट बताओ, कास्ट हम खत्री हैं। क्या है? खत्री हैं, खत्री हैं। हाँ भैया, कैसे छूट गए भाई साहब? यही, अरे नहीं, चाय वाले के आगे छूट जाते हैं अच्छे अच्छे। अच्छा, चाय वाले के सामने अच्छे अच्छे छूट जाते हैं, काहे चाय वाला कमाल कर जाता है और क्या? क्या अच्छा, ये किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे कि बस? किशोरी लाल शर्मा यहाँ से 151,000 वोट से जीत रहे हैं। 151 का है, दक्षिणा दर्द होगा भाई, ये शुभ है, यह शुभ है, शुभ है। किशोरी लाल शर्मा जो जाना तुम नहीं जानते हो? अरे वाह भाई, किशोरी लाल शर्मा जी को तो हमें लग रहा सब जान रहे, कैसे जान रहे हैं? मतलब क्षेत्र है तो जानेंगे नहीं, कैसे उनको जानते हो हमें पहले बताओ। पहले आते थे ना यहाँ। अच्छा, पहले यहाँ आते थे? आते थे, चुनाव में जो है बैठते थे।
मैनेज करते थे सबको, मिलते थे सबसे? अच्छा, मतलब इस तरीके से आप जानते हैं भाई साहब? आप किशोरी लाल शर्मा को कैसे पहचानते हैं ये बताइए। अरे भैया यहाँ पहले आवत रहे, जाने। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, इधर आइए इधर आइए, अरे यहाँ आइए, अरे यहाँ आइए, क्या हाल है ये बताइए। किशोरी लाल शर्मा को आप कैसे पहचानते हैं ये बताइए? राहुल गांधी के साथ बड़ा योगदान था उनका, उन्होंने बहुत कुछ किया जो अमेठी के लिए। किशोरी लाल शर्मा को आप कैसे जानते हैं? जानते नहीं है, बहुत जमाने से जानते हैं। जमाने जानते हैं आपसे? नहीं, नई बात नहीं है। क्या करो, भीषण साल से जानते हो? हम तो सोचा सिर्फ आप लोग राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को, राजीव गांधी को पहचानते हो। आपके साथ महामान मैंने ही पहचानी है ना, मैनेज कर लेंगे चुनाव। अरे मैनेज हो ना, होगा, मैनेज कर लेंगे। बहुत बढ़िया मैनेज करेंगे, कर लेंगे, बहुत अच्छा मैनेज करेंगे। और क्या है एक्सपीरियंस है क्या उनका? बहुत जबरदस्त जानते, अगर नहीं भी जानते किशोरीलाल शर्मा को, फिर भी हम कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो वोट उन्हीं को देंगे। मतलब हाथ का पंजा, आंख बंद करके, आंख बंद करके। क्या कारण है, क्यों पहचानते किशोरीलाल शर्मा को भाई? वो पुराने नेता हैं इसलिए। अच्छा, पुराने नेता हैं जी, 40 आप भी जानते हैं, काम कर रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। ये समीकरण यहाँ का गजब का बना हुआ है। आप किशोरीलाल शर्मा को कैसे जानते हैं? अरे हम पैदा बहन तब से जानते हैं, 50 साल उम्र हमारी है तो। हाँ, किशोरीलाल शर्मा को जानते हो आप? क्यों नहीं जानते, हमारे आते थे खेत में, सिलेंडर पाए, पता क्या क्या पाया, उनके रहते हुए यहाँ आते थे। और क्या, मतलब घर घर पहुंचते थे क्या? और क्या, बचाओ पीने ये होटल पर। हाँ, ये होटल बचाओ पीने। किशोरीलाल शर्मा? हाँ, अगले पंजवर सीमा यहाँ चाय पी के जाती। फेरी लाल पहले जानते थे, स्मृति जौनी पहले से यहाँ आई रही, कौन जानता था? कौन जानता आप तो बताइए। किशोरीलाल शर्मा को आप लोग पहले जानते? पहले से जानते थे, उनसे पहले से जानते थे, इनके पहले से, स्मृति पहले से जानते थे। उनके लिए अमेठी नया नहीं है, 30 साल से। जी हाँ, 30 साल से। अब बहन स्मृति के लिए नया है। किशोरीलाल की किया जाए तो आप लोग पहले जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। बात करिए, आप जानते हैं भैया? जी हाँ बेशक, आप जानते हैं? 40 साल आप जानते हैं? जानते हैं, जानते भाई साहब, आप बिल्कुल जानते हैं, आप सब जानते हैं। देखिए देखिए, आप भी जानते हो किशोरीलाल शर्मा, आसनी बहुत से लोगों के दिल में जानकारी। अच्छा, पहले दिल में है। अच्छा, एक बात है, आप कहाँ चाय पिए थे, पैसा दिए थे कि नहीं? सही से बताना। पैसा क्यों नहीं दे दिए थे? चाय पिला चुके हो आप किशोरीलाल को? देखिए, यहाँ पर किशोरीलाल जी आए थे, चाय पी कर गए हैं। अमेठी उनके लिए नया है कि पुराना है भैया? पुराना है, चाय वाले भी बोल दिए भाई पुराना है। इस बार वोट कहाँ पड़ रहा है आपका? कांग्रेस पे। कांग्रेस मतलब कांग्रेस ओनली पड़ता है। अच्छा, तो देखिए, मैं इस वक्त अमेठी जगदीशपुर में था, समीकरण जान रहा था कि इस बार माहौल क्या रहेगा। देखिए, किशोरीलाल शर्मा की बात किया जाए तो हालांकि बीजेपी एक निगेटिव तैयार कर रही है और कह रही है कि जो किशोरीलाल शर्मा है उनको जब मैदान में उतारा, बीजेपी के लोग ये ट्वीट करने लगे, मतलब ट्रेंडिंग पे चलने लगा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए रायबरेली। हालांकि जब बीजेपी लड़ाती है, अगर किसी समाजवादी नेता को काट कर अपने पास ले आए तो क्या कहते हैं, देखिए छोटे छोटे कार्यकर्ता को हम मौका देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर यही कांग्रेस लड़ा दे तो सवाल पैदा हो जाता है बीजेपी के पेट में कि ये कहां, किसे कौन जानता है। फिर आप क्या सोचते हैं जरूर बताना, देखते रहें जनता का हिंद शो।